हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर साइंस में। जैसा कि बच्चों आप लोग बोल रहे थे कि सर छोटे छोटे प्रश्नों की वीडियो बनाइए, तो बच्चों इसी क्रम में आज हमने बोर्ड जो कि 20 मार्च को जो गलती डल गया है या 20 मार्च 2023 को जो RBSC का फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है उसके लिए हमने छोटे प्रश्नों की एक वीडियो बनाई है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि पेपर तक हम रोज एक वीडियो आपके लिए छोटे प्रश्नों की, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स की वीडियो बना के डालें। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो बच्चों इसमें जो पहला प्रश्न है, तो जो पहला प्रश्न है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य सुचालक माध्यम होने पर उन आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल का मान कितना होगा। तो बच्चों जो विद्युत बल होता है वो F बराबर 1/4π ε0 ε r, ये है असली चीज एप्सिलॉन r, q1 q2 r2, ये सूत्र होता है। जो सुचालक माध्यम होता है जैसे कि धातुएं, इनके लिए परावैद्युतांक का मान होता है अनंत। बच्चों ये प्रश्न भी राजस्थान बोर्ड में आ चुका है कि जैसे कि तांबा जो होता है धातु, उसके लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है अनंत। तो यहां जब हम अनंत रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो, क्योंकि अनंत का अगर भाग लगाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो अगर दो आवेशों के मध्य धातु है या चालक माध्यम है तो ऐसी कंडीशन में उनके मध्य लगने वाला बल शून्य होता है। इसके बाद बच्चों विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक माइनस क्यू आवेश और दूसरा प्लस क्यू आवेश, और ये एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पर स्थित होते हैं। आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो जब दो आवेश परमाणु में बराबर और प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद बच्चों अगली परिभाषा, ये दोनों परिभाषाएं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों विद्युत द्विध्रुव में से दोनों में से किसी एक आवेश का परमाणु और उनके जो बीच की दूरी है जो कि न्यूनतम दूरी है जो विस्थापन है, इसका अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें एक भौतिक राशि प्राप्त हो जाती है जो कि होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछे तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों में से किसी एक आवेश के परमाणु और दोनों के बीच के विस्थापन के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है स्थिर विद्युत की में गाउस का नियम लिखिए। तो बच्चों स्थिर विद्युत की में गाउस का नियम क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये भी बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों एक सूत्र होता है F माध्यम बराबर F निर्वात अपॉन एप्सिलॉन r। तो इससे बना सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे ही उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, या दो माध्यमों के बीच निर्वात, दो आवेशों के बीच निर्वात में बल और उन्हीं दो आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। क्षेत्र का उपांत प्रभाव क्या होता है, तो बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसके बीच में विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर प्राप्त होती हैं, लेकिन इनके किनारों पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं मुड़ जाती हैं, इसे ही उपांत प्रभाव कहते हैं। समव्यय पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समव्यय पृष्ठ कहलाता है। अगला प्रश्न है संधारित्र को परिभाषित कीजिए।
तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें जो चालक है उसके आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना, ना तो उसके आकार में परिवर्तन करेंगे और ना ही उसकी आकृति में परिवर्तन करेंगे। और एक सूत्र है सी बराबर क्यू अपॉन बी, तो आवेश की मात्रा को स्थिर रखकर और विभव को घटाकर धारिता बढ़ाई जाती है। विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनका जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो बच्चों ऐसे दो पदार्थ हैं सिलिकन और जर्मेनियम। सिलिकन और जर्मेनियम ये दोनों अर्धचालक, जर्मेनियम ये दोनों अर्धचालक होते हैं। इनका अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। अगला प्रश्न भी यही रिपीट है। और ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनके प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। बच्चों अगर किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर अगर उसका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता घट जाती है तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, और अगर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है तो प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। तो ऐसे दो पदार्थ यही वापस से लिख देने हैं, सिलिकन और जर्मेनियम। प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। ठीक है, अगर किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर है और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है तो उसका प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाएगा। चालकों के लिए यह ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है? चालकों का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, और इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ताप और चालकों की प्रतिरोधकता का ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होता है। किरचॉफ के नियम लिखिए। तो बच्चों ये दोनों नियम किरचॉफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, या किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, और गणितीय रूप पूछे तो सिग्मा आई बराबर 0। और अगर ये पूछे कि किरचॉफ के पहले नियम में किस भौतिक राशि के संरक्षण का पालन होता है तो बच्चों हम लिख देंगे आवेश। इसी प्रकार द्वितीय नियम जो है कि प्रतिरोधक और सेलों से मिलकर बने किसी बंद लूप के संगत समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। और किरचॉफ का दूसरा नियम है इसके अंदर ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। गतिशीलता का मात्रक और विमा लिखिए। तो बच्चों गतिशीलता का सूत्र होता है म्यू बराबर बी डी अपॉन ई। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अब इसका मात्रक जो वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट बटा मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। अगर हम विमा निकालें तो एक तो विद्युत क्षेत्र की विमा और एक वेग की विमा, तो दोनों की वेग की विमा निकालेंगे। वेग बराबर दूरी बटा समय, तो L1 t-1। और विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। बल की विमा M1 L1 t-2 और आवेश की विमा होती है A1 t1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा M1 L1 t-3 A-1। अब इसे यहां रख देंगे तो अनुगमन वेग की बीमा हो जाएगी L1 t-1, और विद्युत क्षेत्र की हो जाएगी M1 L1 t-3 A-1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल L1 से L1 कट जाएगी, M1 ऊपर ले जाएंगे तो M-1 L0, और t-1 से जो -1 कट जाएगी 2 रह जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो A1 और T2। ये बच्चों इसकी बीमा हो जाएगी। धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। धारा घनत्व का सूत्र होता है J बराबर I अपॉन A। तो ये कोई तार है बच्चों, ये चालक तार है और ये उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और उसमें से गुजरने वाली धारा I है।
तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से गुजरने वाली धारा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। अगला प्रश्न है, घरेलू या प्रयोगशाला में प्रयुक्त प्रयोग हेतु व्यापारिक दृष्टिकोण से बनाए जाने वाले प्रतिरोधक के दो प्रकार लिखिए। तो पहला है तार आबद्ध प्रतिरोधक और दूसरा है कार्बन प्रतिरोध। ये दो तरह के प्रतिरोध होते हैं प्रयोगशाला में। पृथ्वी की सतह पर नति कोण का मान 90 डिग्री कहाँ होता है? तो बच्चों ध्रुवों पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। और कहाँ चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान शून्य होता है? वो होता है भूमध्य रेखा पर, या नति कोण का मान भी कह सकते हैं। दिक्पात कोण को परिभाषित कीजिए। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के मध्य बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता? तो स्थिर विद्युत की में गाउस का जो नियम है बच्चों, वो होता है कि फाई बराबर बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, और फाई को लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्थिर विद्युत की में क्या होता है बच्चों, एक अकेले आवेश का अस्तित्व होता है, लेकिन चुंबकत्व में हम क्या देखते हैं, चुंबक के दो जो ध्रुव होते हैं वो अकेले नहीं रहते हैं, हमेशा युग्म में रहते हैं। तो इस स्थिति में बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है। अगर अकेला ध्रुव होता तो चुंबकत्व में गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता? तो इसी के अनुसार हमें बना देना, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ये लिख देंगे बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है, तो हमें इसकी जगह अकेले एक ध्रुव लेना है क्यू, उसका परिमाण लेना है क्यू एम, और एक बटे एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख देना है म्यू नॉट। तो इस तरीके से चुंबकत्व में गाउस का नियम ये बन जाता अगर अकेले चुंबक के ध्रुव का अस्तित्व होता। चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं? तो चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले लंबवत ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। तो ये चुंबक है, मान लीजिए चुंबक है जे एन और जे एस, तो ये हो गया चुंबकीय अक्ष। तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है? अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है नर्म लोहा। क्यूरी का नियम लिखिए। तो क्यूरी के नियम के अनुसार यह नियम अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए लागू होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्यूरी ताप किसे कहते हैं? क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस ताप पर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है। या क्यूरी ताप वह ताप होता है जिससे कम ताप पर पदार्थ लोह चुंबकीय और अधिक ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। इसके बाद है भंवर धाराएं किसे कहती हैं? कि जब किसी धातु के टुकड़े से गुजरने वाले जब किसी धातु के टुकड़े से संबद्ध मतलब गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर चक्करदार ऐसे वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र के लिए धारा का औसत मान कितना होता है? तो इसका मान है 0। और एक पूरे चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति कितनी होती है? तो बच्चों एसी परपथ में शक्ति 6 का सूत्र है 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। फाई जो है वो धारा और वोल्टेज के मध्य कोण है,
वोल्टेज और धारा के मध्य कोण है वो होता है फाई। तो जब परपथ में प्रेरकत्व तो एल लगा रहता है तो हम जानते हैं फाई का मान होता है 90 डिग्री और कॉस 90 का मान 0, तो शक्ति 6 कितना होता है 0। जब परपथ में एल और सी प्रेरकत्व तो और संधारित्र लगा होता है ऐसी कंडीशन में शक्ति 6 का मान 0 होता है। शक्ति गुणांक किसे कहते हैं? कॉस पाई, जो ऊपर हमने बात करी थी अभी, वही शक्ति गुणांक है। शक्ति गुणांक बराबर कॉस पाई। फाई क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के मध्य बने कोण की कोज्या को शक्ति गुणांक कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल आरएमएस और शिखर मान में क्या संबंध होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, तो हम अगली वीडियो कल बनाकर आपके लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है बच्चों।